हेलो दोस्तों, निहाज किचन मिला में आपका स्वागत है। और आज हम लोग दिखाने जा रहे हैं आपको बच्चों का रूम टूर। तो जैसे कि आपको पता ही है कि बच्चों का रूम अभी कुछ ही दिनों पहले ही रिनोवेट हुआ है, एकदम नया है। और जैसे कि वो दो गर्ल है तो उसी के अकॉर्डिंग उनका रूम भी एकदम अलग है, प्रिंसेस स्टाइल रूम है। तो चलिए चलते हैं और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर बताइएगा वो आपको कैसा लगा है। तो चलते फटाफट, तो चलिए चलते हैं बच्चों के रूम की तरफ। और यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले दिखा रही हूँ 360 व्यू। हम जैसे ही गेट को खोलते हैं, हमें एक साइड पर दिखती है टेबल और यहाँ पर कुछ थोड़ा सा वॉल डेकोर हो रखा है। उसके जस्ट सामने है बेड और अलमीरा। तो आप देख सकते हैं बेड के ऊपर कुछ वॉल डेकोर है जो बच्चों की स्टाइल में कुछ प्रिंसेस स्टाइल स्टिकर है। और उसके अपोजिट साइड पर है एक मिरर जो फिर से पिंक कलर में ही है। बच्चों के रूम में और पीछे है बच्चों का बेड और ऊपर रूम पर बहुत ही प्यारी प्यारी सी पिंक लाइट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक साइड से कि बच्चों का रूम में क्या क्या स्टोरेज है, कैसे इसको हमने ऑर्गेनाइज किया हुआ है। तो इस तरह से कुछ दिखता है बच्चों का रूम। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करें। यहाँ पर है सबसे पहले एल शेप की एक टेबल जिसके ऊपर आपको थोड़ी बहुत कुछ कुछ चीज़ें रखी हुई नज़र आएंगी। दो चेयर है यहाँ पर बच्चों के बैठने के लिए। और यहाँ साइड से कुछ बॉक्सेस रखे हैं, पेन बॉक्स रखे हुए हैं जो कलर्स, पेन पेंसिल और बच्चों के छोटे मोटे स्टेशनरी आइटम्स के लिए। उसके सामने एक पिंक कलर का बोर्ड है जिस पर बच्चों के नोटिस लगे हुए हैं, उनके हैंडीक्राफ्ट्स लगे हुए हैं। इसके नीचे भी आपको यहाँ पर दो रैक मिलेंगी जिसमें बच्चों की कॉपी किताब और स्कूल बैग्स रखी हुई हैं। यहाँ पर आपको तीन ड्रॉज देखने को मिलेंगी जिसमें जो फर्स्ट ड्रॉज है उसमें बच्चों के सारे क्राफ्ट आइटम्स, सेकंड ड्रॉज जैसे कि आपको पता है दो बच्चे हैं तो दोनों के अकॉर्डिंग है, और थर्ड में बच्चों की स्टोरी बुक्स रखी हुई हैं। यहाँ पर एक ब्लैक बोर्ड है, ये देखिए जिसे फर्स्ट है तो बच्चों के कई सारे पेन बॉक्स रखे हुए हैं, कलर्स रखे हैं, क्राफ्ट आइटम्स हैं, कुछ दो बैग भी हैं जब उनको पिकनिक पर जाना है या कुछ भी, तो सब कुछ एक ही जगह मिले। और दूसरी में इनाया का आइटम रखा हुआ है जैसे इनाया की कलरिंग बुक रखी हुई है, छोटे मोटे बैग्स रखे हुए हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक बॉल डेकोर और इसके ऊपर हमने एक बॉल स्टिकर लगाया हुआ है। यहाँ पर एक छोटी सी वॉच है और बच्चों के कुछ टॉयज हैं। यहाँ पर फिर आपको इसके जस्ट अंगेज दिखेंगी तीन अलमीरा। ऊपर हमने एक की रिंग लगाया है जो बच्चों के ही मतलब का है छोटा सा। तो ये देखिए पहली जो हमारी अलमीरा है इसमें हमने बच्चों के बुलंस, बड़ों के भी बुलंस थोड़े से सेट किए हैं। बच्चों की फुल स्लीव्स के कपड़े जो गर्मियों में काम नहीं आते हैं वो एक साइड अलग रखे हुए हैं। और बच्चों के बहुत सारे बुलन होते हैं जैसे कि आपको पता ही है टोपा, मोजा, पजामी, तो एक अलग ड्रॉज में सेट किए हुए हैं। एक ऊपर रैक है जो
बच्चों के बैग्स वगैरह और भी काफ़ी कुछ बड़े आइटम्स होते हैं उनके लिए हैं। तो यहाँ बेड पर देखेंगे कि हमने नीचे एक कारपेट दिया है और उसके साथ ही इसमें एक स्टोरेज है जिसमें बेडशीट्स या रेगुलर के काम के सामान हैं, कुछ टॉयज है जिसको हमने सेक्शन वाइज अलग किया हुआ है। यहाँ दूसरी अलमीरा में बच्चों के पार्टी वेयर ड्रेसेस हैं, नए ड्रेसेस हैं जिनको हमने लेंथ के अकॉर्डिंग लगाया हुआ है। यहाँ पर भी दो और ड्रॉज हैं। यहाँ पर है मिरर जहाँ हमने स्टोरेज का इंतज़ाम भी साथ में किया हुआ है, आप जो भी रखना चाहें साथ में रख सकते हैं। तो इस तरह से ये रूम, और यदि आप बच्चों का टॉय ऑर्गेनाइजेशन अलग से करना चाहते हैं तो आप ज़रूर बताएं। तो ये रूम आपको कैसा लगा है ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के